हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एट एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक एक्सेल लोडिंग फॉर ए व्हीकल। देखिए, इसमें हमें क्या देखना है कि जब एक कार एक्सेलरेट हो रही है तो लोड्स पे कौन सा इफेक्ट पड़ता है, एक्सेल लोडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें देखना है इसमें। और देन वी विल कम टू द डिराइवेशन विच इज़ यूजफुल फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कौन से फोर्सेज अप्लाई होते हैं, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ दोज फोर्सेज, वो सब देखना है, और फिर वो सब इफ़ेक्ट क्या करते हैं हमारे वेट एक्चुअल लोडिंग पे। जो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फोर्स हम इसमें देखा जाता है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, वो है एरोडायनामिक रेजिस्टेंस, एरोडायनामिक फोर्स। एरोडायनामिक फोर्स हमें अगर इधर देखेंगे तो वो डी ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। ये एरोडायनामिक रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस अफोर्ड बाय एयर व्हेन द व्हीकल इज मूविंग इज एक्सेलरेटिंग। तो उस वक्त ये हम जो है ये डी ए से हम एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस दिखाते हैं। तो उसी के उसके बाद हम देखेंगे वेट कहाँ पे, जो गाड़ी का जो कार का पूरा वेट है वो कहाँ पे एक्ट होगा। जो गाड़ी का पूरा वेट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार पे एक्ट होगा, वो हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं यहाँ पे। इसकी हाइट हम लेते हैं एच। उसके बाद जो अगर ये गाड़ी थोड़ा ग्रेड पे है तो इसके दो कंपोनेंट्स रहते हैं। तो एक तो हम साइन कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा लेते हैं, और दूसरा कोसाइन कंपोनेंट डब्ल्यू कॉस थीटा। जो ये साइन कंपोनेंट रहता है इट इज़ पैरेलल टू द रोड, ये रोड के पैरेलल रहता है, और कोसाइन कंपोनेंट ये रोड के परपेंडिकुलर में रहता है। फिर तीसरा फोर्स जो है वो इनर्शियल फोर्स है हमारा, वो हम लेते हैं डी एलम्बर्ट्स लॉ की वजह से, उसको कहते हैं डब्ल्यू बाई जी ए एक्स। ये भी एक्ट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पे ऑफ दिस कार, और ए इसका एक है इट इज़ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। दीज आर द फोर्स। नाउ अब हम जाते हैं इनके व्हील्स पे, व्हील्स पे कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं। सबसे पहला जो फोर्स व्हील्स पे अप्लाई होता है जब एक कार मूव करना चाहती है तो वो होता है रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर फ्रंट व्हील हमने दिखा है आर एफ से, और टू ओवरकम दिस रोलिंग रेजिस्टेंस वी नीड अट्रैक्टिव फोर्स, दैट वो हमने दिखाया एफ एफ से। अब डब्ल्यू एफ जो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है इट इज़ द रिएक्शनल वेट फॉर द फ्रंट व्हील। सिमिलरली आर आर ये है रोलिंग रेजिस्टेंस फॉर द रियर व्हील, एफ आर रोलिंग ट्रैक्टर रेजिस्टेंस फॉर द रियर व्हील, एंड डब्ल्यू आर इज द रिएक्शन फॉर द रियर व्हील वेट रिएक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस दिस वन बाई वन हाउ इट वर्क्स। जैसा कि हमने अब ये सारा देखा कि कैसे वेट इस पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कैसे फोर्सेस अप्लाई होते हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें है वो है आर एच जेड एंड आर एच एक्स। दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल फोर्सेस व्हेन द ये लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल फोर्स एक्टिंग एट द हिच पॉइंट व्हेन द व्हीकल इज टोइंग ए ट्रेलर। जब एक व्हीकल एक ट्रेलर को टोइंग करता है तो उस वक्त ये दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं। दीज होता है टोइंग पॉइंट। तो Now let us recap what we studied up till now. Aerodynamic force a dA represented here, double the weight of the vehicle at the center of gravity. Inertial force d Lambert's law se jo dikhaya gaya w by gax which is in the opposite direction of the acceleration, rf rolling resistance for the front wheel, ff tractive effort for front wheel, rr rolling resistance for rear wheel, and fr tractive effort for the rear wheel. Now agar humne ye नोट किया है जो फ्रंट रियर व्हील को हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि हम टॉर्क इसकी इससे लेंगे, और फ्रंट व्हील को बी से। नाउ लेट्स गो टू इट्स कैलकुलेशन, इसका डिराइवेशन हम कैसे करेंगे। लेट्स टेक टॉर्क फ्रॉम ए। अब हम ए पॉइंट से इसका टॉर्क लेंगे, जैसे कि टॉर्क हमें उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स कौन सा है वो लेना पड़ता है, वी विल टेक दैट, एंड बाय दैट वी विल कम टू द आवर कैलकुलेशन आवर डेरिवेशन। ए से हम लेंगे पहले हम लेंगे डब्ल्यू एफ इंटू एल, इट इज़ द एल मतलब कि पूरा डिस्टेंस जितना आर तक रहेगा ए से हमें लेना है, तो ये पूरा आर तक रहेगा, प्लस डी ए एच ए मतलब कि डी एरोडायनामिक फोर्स इंटू एच ए, ये मतलब कि इन द सेम डायरेक्शन है, प्लस डब्ल्यू बाई जी ए एक्स एच, प्लस और एच एक्स एच एच, प्लस और एच जेड डी एच, प्लस
डब्ल्यू एच साइन थीटा माइनस डब्ल्यू सी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। नाउ आपका सवाल होगा कि हमने ये माइनस फॉर कॉस थीटा और इनके लिए पॉजिटिव क्यों लिया है, इसलिए कि क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो हमारा एक कन्वेंशन रहता है कि इफ़ इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन तो हमें इसको इन द सेम डायरेक्शन तो हमें पॉजिटिव लेना पड़ता है, इफ़ इट इज़ डायरेक्शन चेंजेस देन वी हैव टू टेक इट नेगेटिव। एंड दूसरा कन्वेंशन ये रहता है कि अगर ये अप हिल होगा तो हम लेते हैं पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ डाउन हिल वी टेक इट नेगेटिव। नाउ लेट अस सिंपली दिस फर्दर, तो हमें मिलता क्या है, डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू सी कॉस थीटा अगर हम इसको पॉजिटिव में जाता है और बाकी सब हमें नेगेटिव में मिलेगा, माइनस और एच एक्स एच एच माइनस और एच जेड डी एच माइनस डब्ल्यू बाई जी ए एक्स एच माइनस डी ए एच ए माइनस डब्ल्यू एच साइन थीटा और डिवाइड बाई एल होल डिवाइड बाई एल बिकॉज इट इज डब्ल्यू एफ एल। सो सिमिलरली हम डब्ल्यू आर जो फॉर रियर व्हील इफ वी टेक द टॉर्क फ्रॉम द बी वी विल कम टू आवर कैलकुलेशन, वो हम अब सीधे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डब्ल्यू एच डब्ल्यू बी कॉस थीटा प्लस और एच एक्स एच एच प्लस और एच जेड डी एच प्लस एल प्लस डब्ल्यू बाई जी ए एक्स एच प्लस डी ए एच ए प्लस डब्ल्यू एच साइन थीटा बाई एल। ये थी इसकी रिएक्शन जब हमने एक स्टैटिक मतलब कि जब हमने इसको एक ग्रेड पे लिया। नाउ लेट अस टेक इट स्टैटिक लोड्स ऑन लेवल ग्राउंड, हम इसका दूसरा जो केस लेंगे स्टैटिक लोड्स ऑन लेवल ग्राउंड। व्हेन द व्हीकल सिट स्टैटिकली ऑन लेवल ग्राउंड द लोड इक्वेशन सिंपली क्या होता है इसमें कि जो साइन वाला कंपोनेंट वो जीरो बनेगा एंड द वेरिएबल्स आर एच एक्स आर एच जेड ए एक्स एंड डी ए आर जीरो ऑल्सो। दस हम सिंपली इसको क्या करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डब्ल्यू एफ एस इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बाई एल एंड डब्ल्यू आर एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एल, क्योंकि जो कि स्टैटिक लोड में जब बाकी को साइन वाला कंपोनेंट भी जीरो बनेगा आर एच एक्स आर एच जेड ए एक्स एंड डी ए वो भी सब जीरो रहेंगे तो उस वक्त हमारा जो फाइनल इक्वेशन निकलेगा तो ये वाली सी। नाउ तीसरा केस इसमें हम जाएंगे वो है लो स्पीड एक्सेलरेशन। जो लो स्पीड एक्सेलरेशन है इसमें क्या हमें करना है कि जो सबसे पहला चीज़ है वो डी ए ये ज़ीरो बनेगा इक्वल टू ज़ीरो और द लोड्स ऑन द एक्सल फिर लोड्स ऑन द एक्सल कैसे रहेंगे डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू सी बाई एल इंटू ए एक्स बाई जी एच बाई एल वो बनेगा डब्ल्यू एफ एस एस हमें इधर ही पता है डब्ल्यू सी बाई एल इज इक्वल डब्ल्यू एफ एस माइनस डब्ल्यू ए एक्स बाई जी एच बाई एल। सिमिलरली फॉर डब्ल्यू रियर व्हील वी हैव डब्ल्यू बी बाई एल प्लस ए एक्स जी एच बाई एल विच इज इक्वल टू डब्ल्यू आर एस प्लस डब्ल्यू ए एक्स जी एच बाई एल। Thus, when the vehicle accelerates, load is transferred from the front axle to the rear axle in proportional to the acceleration by the gravitational and the ratio of the center of gravity height to the wheel base. ऐसा इसमें रहता है। So, this was all two cases which we studied in this one. जबकि एक vehicle जब grade भी होती है, when what are it is a reactional force. फिर जब वो vehicle static load में रहता है, तो उसका effect क्या रहता है? और जब vehicle फिर लो स्पीड में होता है तो उसमें क्या क्या रहता है, दीज आर द रिएक्शन दीज आर द फाइनल इक्वेशंस फॉर अस विच विल हेल्प यू इन एग्जाम्स। इफ यू विल राइट ऑल दिस इन योर एग्जाम आई गारंटी यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर योर एग्जाम पर्पज यू विल गेट फुल मार्क्स। अब इसमें हम थोड़ा इन दो में से हम थोड़ा ये दिखाएंगे इसमें हमने क्या क्या हमें नेगलीफाई करना है। डी ए ये होता है जीरो के बराबर और एच एक्स इज इक्वल टू जीरो और एच जेड इज इक्वल टू जीरो
एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसमें हमने इस वाले में इस केस में क्या है हमारा डी ए इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज ऑल अबाउट डायनेमिक एक्सियल लोडिंग. होप यू अंडरस्टूड दिस एंड होप इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन रहा सो प्लीज राइट इन द कमेंट्स बिलो, वी विल ट्राई टू ओवरकम दोज थिंग्स. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.